जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपको मेरे चैनल का नाम पता ही है, नीचे मेंशन कर रहा होगा, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ। मेरे चैनल का नाम पीयू सक्सेना ऑलराउंडर। तो आज का ब्लॉग, मैं आज अपनी मतलब मेरी सासू माँ है, एक्सपायर हो चुकी है, आपको पहले से मैंने बताया था। तो उनके उनके मतलब उनका शराब उनका खाना कर रही हूँ। तो ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया ही नहीं किसी को, घर में ही कर रहे हैं। क्योंकि आपको पहले जो नेक्स्ट आपने देखा होगा, तो पिछला ब्लॉग देखा होगा, तो उसमें मेरे नंद हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ज़्यादा नहीं किसी को बुलाया है, क्योंकि जल्दी जल्दी यहाँ पर खाना बनाना, और सुबह का बज रहा है 6, और यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा मतलब पानी वाला हो रखा है, और ठंडा भी है काफ़ी, बड़ा अच्छा लग रहा है मौसम, बारिश हो रही है। तो मैंने वही है कि खाना ना बना के फिर जाऊँगी पंडित के यहाँ सीता देने, और फिर दीदी जी खाना खिला के। वैसे तो गाइस एक महीना हो गया दौड़ते हुए, 15-20 दिन तो मुझे लगता है कि उसमें चले गए, रिपोर्ट वगैरह करवाई उसमें चले गए। और अभी ये 10-11 दिन, यहाँ सरकारी का कोई नियम है तो वहाँ पे 10-11 दिन रखे जाते हैं, 11वें दिन टाके काट के तब छुट्टी होती है। तो बराबर जाना पड़ता है सुबह मॉर्निंग के टाइम, मैं सुबह जाती हूँ करीब 10 बजे यहाँ से निकलती हूँ, चाय नाश्ता खाना पीना जो लेके जाना होता है जाती हूँ। तो रोज़ जाना तो रूटीन में यही हो गया इस समय, तो ज़्यादा मैंने नहीं किया, लोगों को बुलाया नहीं है किसी को। भाई दीदी जिया को खाना ना खिला के फिर आज बहुत सारा काम है, मैं बता देती हूँ आपके लिए क्या 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 बनाने जा रही हूँ। आज मैं मिक्स वेज सब्ज़ी बनाऊँगी, ये हमारी सब्ज़ी है, मैंने पहले से तैयारियाँ करी हैं। मिक्स वेज सब्ज़ी, छोला बनेगा, छोला बॉयल रखा हुआ है, और खीर बनेगी, उसके लिए ये मसाला तैयार हो रहा है, और ये सब्जी छौंकूंगी तो उसके लिए प्याज फ्राई कर रहा है, और रायता बनाऊंगी, और दाल की कचौड़ी, पूड़ी, चावल। तो चावल गाइस तैयार हो गए, तो मेरे ब्लॉग बने रहिएगा। आज की जो हमारे यहाँ कैसी पूजा विदाई कैसी पूर्वज की जाती है, तो वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, तो देखते रहिएगा। चलिए जब तक ये हो रहा है आटा सान लेते हैं। तो फैमिली जी, हमारी मिक्स वेज तैयार हो रही है, जिसे मैंने थोड़ा सा फ्राई करना है, भून लेते हैं, उसके बाद मसाले डालेंगे। इसमें 5 मेल की सब्जी है, मिक्स सब्जी से बोलते हैं। अब ये तो छोला हो रहा है, छोला भी छौंक दिया है, उसको भाप देते हैं। जानते हैं कि क्या नाम है, आप लोग को बता दूं कि एक महीना जरूर लगा है, सरकारी है, एक महीना लगा है, लेकिन जो दीदी का ऑपरेशन हुआ बहुत सक्सेस हुआ है, बहुत ही अच्छा। अब तो बहुत ज़्यादा वो रिकवर हो गई हैं, मतलब अच्छी हो गई हैं। अभी उनको नली वली लगी थी तो वो भी निकाल दी गई है, अब तो चलने लगी हैं, खाना वाना भी खा रही हैं टाइम से। खाने को भी बोल दिया, दलिया है, मूंग की दाल है, और आधी एक रोटी भी खाने को बोल दी, मना नहीं किया है। बाकी अभी बहुत अच्छा हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ, अगर इतना टाइम लगा है, देर है, अंधेर नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा काम हुआ है। लोगों को नहीं समझ में आता है, लेकिन हाँ, मुझे सरकारी, क्योंकि मेरा काफ़ी काम सरकारी से हुआ है, तो लोग भरोसा नहीं करते, प्राइवेट दौड़ते हैं। अगर है पैसे तो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम अगर पेशेंट ठीक हालत में है तो आप सरकारी में जाके अपना इलाज करा सकते हो, बेटर होता है इलाज। ये सब अंधविश्वासी बातें हैं, लोग जो बता देते हैं, सब कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ही प्यार से बोलना और चलना थोड़ा सा। और वहाँ पे कोई मेरी सोर्स नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरा सोर्स, बस यही है कि सबसे प्यार से बोलना अच्छे से, मतलब लोग सरकारी में हमसे थोड़ा डरते हैं। बाकी आप देखोगे कितनी भीड़ होती है, अच्छे अच्छे लोग आते हैं,
तो मैं तो यही कहूँगी आपसे, तो कभी भी ऐसा करे, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन होता है, तो पैसा बचा के अगर नहीं आपके पास तो आप जा सकते हैं। मेरे नॉलेज में ये रामा देवी पे जो काशीराम हॉस्पिटल है बहुत बेस्ट है, साफ सफाई से लेकर बहुत अच्छी चीज़ है, और बाकी तो बहुत सारे हैं, तो आपको जहाँ समझ में आता है वहाँ ये भी आटा सामने से लो। तो गाइस ये है दाल, चने की दाल, इसी की लोग कुछ लोग हैं वो क्या बोलते हैं पराठा बनाता है, मैं इसकी कचौड़ियाँ ही बना देती हूँ। तो ये कचौड़ी के लिए है दाल, इसमें भुना जीरा डाला है और बाकी मसाले पहले से मैंने डाल के ऐड कर लिए। और तो गाइस ये हमारी खीर हो रही है, खीर भी तैयार हो गई है गाइस। और फैमिली ये रायता भी तैयार हो चुका है मेरा, तो बहुत थोड़ा थोड़ा बनाया लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है फैमिली। मिक्स सब्जी भी मेरी तैयार हो गई है, देख सकते हैं आप, ये देखिए चावल भी बन गए हैं, ये देखिए छोले भी बन गए मेरे, छोले दिखा देती हूँ। छोले में मैंने थोड़ा सा वो डाला है, क्या कहते हैं उसको, मखाने, देखिए छोले। और बस गाइस कचौड़ी और पूरियाँ रह गई हैं, सो ही बताएंगे। तो फैमिली मेरे यहाँ घर में मेरे यहाँ मतलब पक्का खाना बनता है, पक्का क्या ये पक्का ही होता है, लेकिन कुछ लोग कच्चा खाना मतलब कच्चा खाना होता है, कढ़ी चावल बड़ा पकौड़ी, कुछ लोगों के ये चीज़ बनती है और मेरे यहाँ फैमिली यही बनता है। तो इसके अलावा भी आप कुछ भी बना सकते हो तो बना सकते हो, ये पक्का खाना होता है, छोला है ये है, और बाकी जिसके जैसा होता हो, मेरे यहाँ ये पक्का ही बनता है, तो वही मैं बना रही हूँ। बस पूरी कचौड़ी बनानी, जल्दी से बना लेते हैं, पूजा की तैयारी करते हैं। फाइनल फैमिली हमारी कचौड़ी और पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं। तो फैमिली ये चाय भी एक तरफ है, क्योंकि हम लोग जब तक पूजा नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं, तो जब हम लोग पूजा कर लेंगे सब लोग तब चाय पियेंगे। फाइनल फैमिली सब बन गया, ये खीर है और ये रायता है, चावल है, मिक्स सब्जी है, छोला है, कचौड़ी है, पूरी है, थोड़ा थोड़ा ही बनाया फैमिली। अभी मम्मी को तैयार करते हैं, श्रृंगार चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं, तब मिलते हैं। तो फैमिली पापा भी पानी दे रहे हैं, सबसे पहले पापा पानी दे रहे हैं, मेरी मम्मी को मतलब माँ को सासू माँ को पानी दे रहे हैं। तो फैमिली हम लोग भी पानी देने जा रहे हैं दोनों लोग। आयुष और पीयूष भी पानी दोनों दे रहे हैं अपने दादी को। ये दोनों देखिए कैसे मस्ती कर रहे हैं। हाय बोलो, हाय हाय, सब लोग हाय बोल रहे हैं। आज बाबू भी घर में हैं, ये आ रहे हैं, देखिए हाय बोलो। ये हवन के लिए कंडे को जलाया जाएगा, इसमें हम लोग हवन करेंगे, तो ये बाबू हैं जला रहे हैं। तो फैमिली ये मेरी माँ है, तो बिंदी है सुहाग का सामान उनका, सिंदूर है, पीला सिंदूर है, लाल लाल चूड़ियाँ हैं, लिपस्टिक है, और नेल पेंट है, मेहंदी है, बाल वाली मेहंदी है। और फैमिली यही जो खाना है, एक मम्मी के और ये कौवा का या कुत्ता का है, गाय का, ये सब जाएगा, तो हवन होने जा रही, तो आप लोग देख सकते हैं, अभी देखिए। दो यहाँ रखे रहेंगे, बाकी सब जाएंगे चौराहे पे, एक ही तो जाएगा, बाकी तो खाने वाले यहीं बैठे हैं। उमा चढ़ाओ, बोलो पानी रखते हैं गिलास में, ये लोटा दो, लोटा दो, उसमें चढ़ा ही ना लगे, हाँ इसमें चढ़ाओ।
चालू रोटी करनी है। चल ना लोग यहाँ यहाँ चलो चलो इसे से ले लो, कोई बात नहीं। चलो पानी हाथ लगाओ भैया, मैं हाथ लगाओ, इसे भी दिलवाओ, अलग दिलवाओ। हाथ जोड़ो दोनों लोग, पैर छुओ, कह दो गलती हो माफ़ करिएगा दादी, जल्दी से सब खाना खा लीजिए आप, हम लोग जल्दी जल्दी बड़े हो जाए, खूब बड़े से हो जाए, पढ़ाई लिखाई करके आशीर्वाद दीजिए। हाँ वेरी गुड, बाबा के पैर छुओ, पूजा संपन्न हो गई। तो फाइनली फैमिली ये हमारी बहू वाली थाली, तो ये आयुष और पीयूष दोनों खा रहे हैं, दोनों बताएंगे कैसा बना है। हम लोग चाय पीने जा रहे हैं, खीर है, छोला है, मिक्स सब्जी है, रायता है, चावल है, पूड़ी है, कचौड़ी है, इनको भी खाने का मन हो रहा है, खा लो ना पूरा खाना। और फैमिली ये दोनों भी खा रहे हैं, मिट्ठू ये देखिए मिट्ठी खा रही है और मिट्ठू भी खा रहा है अपना, देखिए, और जिमी ने भी खा लिया, जिमी ऊपर खा रहे हैं। चलो सब लोग बाय, नमस्ते, सब लोग बोलो बोलो बाय करो, बाय। फैमिली आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, पापा बाय कर दो। ओके फैमिली बाय, अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग भी आपके यहाँ कैसा होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके बाय।